फिल्म की शुरुआत सैडी उसके दो भाई नोरा और डूडली से होती है, जो तीनों अपने माता पिता के साथ हिडन टेंपल थीम पार्क में घूमने आए थे। लेकिन नोवा को इस बात पर विश्वास है कि वो हिडन टेंपल कोई साधारण घूमने की जगह नहीं है, बल्कि असली है, क्योंकि आज से कई साल पहले ओलमेक नाम का राजा यहाँ रहा करता था। पर नोवा के भाई और बहनों को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं था। अब जैसे ही सभी पार्क में आते, सैडी के माता पिता उसे नोवा और डूडली की जिम्मेदारी देकर घूमने चले जाते हैं, जिसके बाद नोवा और बाकी उस टेंपल के गेट के पास आते हैं, जहाँ फॉग नाम का गाइड सारे बच्चों को टेंपल के बारे में बताता है कि ये एक जादुई टेंपल है जो अब खंडर बन चुका है। कोई भी इस टेंपल का दरवाजा नहीं खोल सकता, पर एक लॉकेट है जो टेंपल को फिर से पहले जैसा बना सकती है, लेकिन वो लॉकेट हमारे पास नहीं है। और फिर वो सभी को असली लॉकेट का डुप्लीकेट देता है, लेकिन किसी को उसकी बातों पर मजा नहीं आता, इसलिए सारे बच्चे वहां से चले जाते हैं। पर नोवा नहीं जाता, क्योंकि उसे विश्वास है कि फॉग सही कह रहा है। अब नोवा फॉग से अकेले में बातें करने लगता है, जहां वो उसे सारी जानकारी बताता है कि जो भी उसने ओलमेक के बारे में बताया वो सब उसने किताबों में पढ़ी, जो सुनकर फॉग हैरान हो जाता है। नोवा उसे सवाल करता है कि क्या इसके अंदर जाने का दूसरा कोई रास्ता है, जिस पर वो उसे एक नक्शा दिखाकर कहता है कि इसके अंदर जाने का एक रास्ता है जो जंगल से होते हुए जाता है, लेकिन वो जगह खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम वहां जाने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो। तभी फिर बाकी बच्चे भी टेंपल के बारे में जाने के लिए जमा होने लगते हैं, इसलिए फॉग वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद नोवा डूडली के साथ चुपके से जंगल की तरफ जाने लगता है। तब उन्हें जाते हुए सैडी देख लेती है, इसलिए वो भी उनके पीछे जाती है। लेकिन इससे पहले कि उनसे कहती कि हमें वापस जाना होगा क्योंकि यहाँ खतरा हो सकता है, कि तभी अचानक ही वो तीनों एक गुप्त रास्ते के अंदर गिर जाते हैं, जिससे सैडी का फोन बाहर ही छूट जाता है। अब उस जगह को देखकर नोरा एकदम हैरान, पर वहीं खुश भी हो जाता है, क्योंकि जो भी उसने किताबों में इस टेंपल के बारे में सुना था वो सब कुछ असली है। फिर तभी उनके पास एक हरे रंग का बंदर आता है, जिसे देखकर नोवा डूडली खुश हो जाते हैं। लेकिन सैडी यहाँ एक मिनट भी रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वहां से जाने लगती है। लेकिन जिस चीज के सहारे वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, अचानक ही वो चीज हिलने लगता है, और अब जैसी वहाँ की झाड़ी हटती, वहाँ उन्हें ओलमेक के चेहरे का स्टैचू दिखाई देता है, जो उनसे सवाल करता है कि आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर नोवा जवाब देता है कि हम ये टेम्पल कब से देखना चाहते थे, मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा है। तब जाकर ओलमेक उन्हें अपने बारे में बताता है कि आज से कई सौ साल पहले मेरा बेटा जुमा मेरा पद संभालने के लिए योग्य हो गया था, जिस वजह से मैं उसे अगला राजा बनाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान था। लेकिन यह बात मेरे दूसरे बेटे था को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो चाहता था कि उसे इस टेंपल का अगला राजा बनाया जाए। इसी गुस्से में उसने अपने साथियों से कहकर टेंपल पर हमला करवा दिया और सभी मिलकर जुमा से लड़ने लगे। तब मैंने अपने लॉकेट के शक्तियों से उनका झगड़ा खत्म कर दिया, लेकिन जब मैं लॉकेट जुमा को दे रहा था कि थक ने चाकू फेंक कर उस लॉकेट के दो टुकड़े कर दिए, जिसका एक टुकड़ा जुमा के पास तो दूसरा थक के पास आया, इसलिए मैंने जुमा को तुरंत उसके टुकड़े के साथ वहां से भेज दिया, जिसके पीछे थक भी गया। तब मैंने अपने शक्तियों से अपने बेटों के साथ पूरे टेंपल और उसके लोगों को पत्थर का बना दिया, ताकि ये टेंपल मुसीबत में ना पड़ जाए। तो अब बताओ कि क्या तुम लोग मेरे टेंपल और उसके लोगों को फिर से पहले जैसा करने आए हो, जिस पर नोवा हाँ में जवाब देता है। तब ओलमेक कहता है कि इसके लिए तुम्हें लॉकेट के दोनों टुकड़े मेरे पास लाने होंगे, जो इसी टेंपल में मौजूद है, और उसकी ही शक्तियों से हम पहले जैसे बन सकते हैं। साथ ही इसमें तुम्हारी मदद जमीन पर चलने वाले जानवर से लेकर हवा में उड़ने वाले पक्षी तक करेंगे, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। एक बार तुमने इस काम को करने के लिए आगे कदम बढ़ाए तो तुम वापस पीछे नहीं हट सकते। पर नोवा उनके सारे चेतावनी को मानकर उन टुकड़ों को लाने के लिए वहां से जाने लगता है, और अब जैसे ही वो अपना कदम आगे बढ़ाता है, वो एक अदृश्य दीवार के दूसरी तरफ आ जाता है, जहां से पीछे जाना नामुमकिन था, जो देख और डडली भी नोवा के पास जाने लगता है। वहीं सैडी उसे रोकने जाती है, पर इसे वो दोनों भी दीवार की दूसरी तरफ आ जाते हैं, इसलिए अब उनके पास उन टुकड़ों को जोड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए नोवा और बाकी फॉग के नक्शे के अनुसार आगे बढ़ने लगते। तब वो सभी एक जगह आते जहां से आगे बढ़ने के लिए उन्हें बेल को पकड़कर लटकते हुए दूसरे कमरे में जाना होगा, इसलिए नोवा एक बेल पकड़ लेता है। लेकिन डडली को डर लग रहा था, इसलिए सैडी उसे अपने साथ कर लेती है, जिसके बाद अब तीनों भी बेल की मदद से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सैडी की तरफ ज्यादा वजन होने के कारण वो बेल उसी तरफ से लटक जाती है, जिससे वो तीनों ही नीचे भूसे में जा गिरते हैं। अब नोवा और बाकी नीचे गिरकर काल कोठरी के पास आ जाते हैं, जहां उन्हें कई सारे कंकाल दिखाई देते हैं, जो देखकर तीनों एकदम डर जाते हैं। और इसी हड़बड़ाहट में डडली किसी बटन पर हाथ रख देता है, जिससे अचानक ही उनकी तरफ अब तीर बरसने लगते हैं, लेकिन भाग्य से वो सभी तीरों का शिकार होने से बच जाते हैं। पर तभी उन्हें एक जैगवर पिंजरे
में कैद दिखाई देता है, जिसे देखकर उनके पसीने छूटने लगते है। इसलिए अब सैडी कोशिश करके एक बटन दबा देती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो बटन भी गलत निकलता है, जिससे गेयर चालू हो जाता है और अब धीरे धीरे जैगोर का पिंजरा खुलने लगता है, जो देख कर वो तीनों जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते है। तब वो बंदर तीनों पर चढ़ते हुए वहाँ से ऊपर चला जाता है, जिससे अब नोआ को एक आइडिया आता है। इसलिए वो दीवार पर स्प्रे मारने लगता है और अब जहाँ जहाँ वो स्प्रे मारता है वहाँ तीर लगते जाता है, जिसकी मदद से तीनों ऊपर जाने लगते है। वहीं जैगवर भी पिंजरे से बाहर आ जाता है, पर वो इन पर हमला करता है, इससे पहले ही तीनों उस पर आने में सफल हो जाते है। लेकिन अब तीनों जिस पत्थर पर आकर खड़े होते वो हिलने लगता है और हिलते हुए सामने बने कमरे से टकरा जाता है, जिससे वो सभी उस कमरे में पहुंच जाते है। अब आगे बढ़ते हुए सभी उस कमरे में आ जाते है, जहाँ थक और उसके साथियों की मूर्तियां मौजूद थी। तभी फिर उन्हें थक के हाथ में लॉकेट का एक टुकड़ा मिल जाता है, जिसे वो तुरंत ले लेते है। लेकिन लॉकेट के निकलते ही थक और उसके साथी इंसानी रूप में आकर उनके पीछे पड़ जाते है, जिससे बचने के लिए तीनों वहाँ से भागने लगते है। और फिर काफी कोशिशों के बाद वो तीनों थक के साथियों से बचते हुए टेम्पल के बाहर आने में सफल हो जाते है। अब उन्हें अगले टुकड़े के लिए फिर से टेम्पल के अंदर जाना था, इसलिए नोआ नक्शे में टेम्पल के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, जो भाग्य से उन्हें मिल भी जाता है। पर उसके लिए नदी पार करना था, इसलिए वो तीनों एक लकड़ी की नाव के मदद से नदी पार करने लगते है। लेकिन तभी वहाँ थक अपने साथियों के साथ आ जाता है, जहाँ उसके साथी नदी में उतर कर उनके पीछे पड़ जाते है। लेकिन तभी अचानक उसके साथियों को नदी में रहने वाली अजीब मछलियाँ पकड़ने लगती है, जो देख कर नोआ और बाकी जैसे तैसे नदी के दूसरी तरफ आने में सफल हो जाते है। तब थक रस्सी की मदद से दूसरी तरफ आने की कोशिश करता है, पर एक मछली उसे भी काट लेती है, जिससे वो नदी में बहते हुए झरने की तरफ नीचे गिर जाता है। अब आगे बढ़ते हुए तीनों टेम्पल के अंदर एक कमरे में पहुंच जाते है, जहाँ उन्हें कई सारे सांप दिखाई देते हैं, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। नोआ कहता है कि हमें इन सांपों को पकड़कर सामने बनी मेदूसा की मूर्ति के सिर में लगाना होगा, वरना हम यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। तब वो जैसे तैसे सांपों को पकड़कर मेदूसा की मूर्ति की तरफ फेंकने लगते हैं, जो उसके सिर में जा लग जाते हैं। और काफी कोशिशों के बाद वो सारे सांप को मेदूसा के सिर में लगा देते हैं। तब उन्हें एक चाबी मिलती है, जिसकी मदद से सामने बना दरवाजा खुलेगा। इसलिए अब नोआ उस दरवाजे को खोलकर सभी के साथ अंदर चले जाता है। अब वहां से सभी एक कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें चांदी के बंदर का एक स्टैचू दिखाई देता है, जिसे उन्हें जोड़ना होगा। लेकिन ये काम इतनी आसान नहीं था, इसलिए अब वो तीनों भी उस बंदर को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो असफल रहते हैं। दूसरी तरफ टेंपल के बाहर उनके माता पिता ने पुलिस को बुला लिया होता है, ताकि वो सभी टेंपल को खोलकर नो और बाकियों को बाहर निकाल सके। वहीं उन तीनों का बंदर को जोड़ते जोड़ते सुबह हो जाती है, पर वो हिम्मत नहीं हारते और आखिरकार उसे जोड़ कर ही दम लेते है, जिससे सामने का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए अब सभी उसके अंदर प्रवेश कर जाते है, जो कमरा खजाने से भरा होता है। और वहीं जुमा की मूर्ति भी मौजूद थी, जिसकी हाथ में लॉकेट का दूसरा टुकड़ा था। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें पत्थरों को पार करना होगा, पर अगर उन्होंने गलत पत्थर पर पैर रखा तो बिजलियां निकल कर उन्हें जला देगी। तब डडली बिना कुछ सोचे समझे उन पत्थरों पर चढ़कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो गलत पत्थर पर पैर रख देता है, इसलिए सैडी उसे बचाने जाती है। लेकिन इससे अब वो दोनों भी एक पत्थर पर आकर अटक जाते है। तब नोआ को उन पत्थर पर अजीब सिंबल बने दिखाई देते है, जिसे देख कर नोआ कहता है कि ऐसे सिंबल्स को अलग अलग जानवरों के नाम के बदले प्रयोग किया जाता है। तब उसे ओलमेक की बात याद आती है कि इस सफर में तुम्हारी मदद जमीन पर चलने वाले जानवर से लेकर हवा में उड़ने वाले पक्षी भी करेंगे, जिससे उसे समझ आ जाता है कि पत्थरों का सही सीक्वेंस जमीन पर चलने वाले जानवर से लेकर हवा में उड़ने वाले पक्षी है। और अब इसी तरह वो पत्थर पर पैर रखते हुए आगे बढ़ते है, जो बिल्कुल ठीक सीक्वेंस होता है, जिससे वो खजाने के पास पहुंच जाते है। और फिर वो सैडी और डडली को भी सीक्वेंस बताकर उन्हें अपनी तरफ कर लेता है। अब वहाँ पहुंचते ही वो जुमा की मूर्ति से लॉकेट का दूसरा टुकड़ा ले लेता है, लेकिन इससे अब वो जीवित हो जाता है। तब नोआ उसे सारी बात बताता है कि आखिर वो सब कौन है। लेकिन तभी वहाँ थक अपने साथियों के साथ आकर जुमा को बेहोशी वाला डांट मार देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। तब नोआ उसे धमकाते हुए कहता है कि हमें कुछ मत करना, वरना मैं लॉकेट बिजलियों में फेंक दूंगा। पर अब थक सैडी को ही पकड़ लेता है और उसे बिजलियों में गिराने की धमकी देते हुए नोआ से वो लॉकेट की मांग करता है, जहाँ अब सैडी उसे लॉकेट देने से मना भी करती है। पर अपनी बहन को बचाने के लिए नोआ उसे लॉकेट दे
दे देता है, जिसके बाद अब तक मंत्र पढ़ते हुए उस लॉकेट को जोड़ देता है। पर इसे कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये फॉग द्वारा बनाया हुआ नकली लॉकेट था, जो देखकर थक एकदम गुस्सा हो जाता है। तब नोआ उस लॉकेट को जोड़कर उसकी शक्तियों से थक के साथियों पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो तुरंत उस लॉकेट को लेकर ओलमेक के पास जाने लगता है, क्योंकि लॉकेट जोड़ने के 3 मिनट के अंदर उसे ओलमेक को देना होगा, वरना उस लॉकेट की शक्तियां खत्म हो जाएगी। वहीं नोआ को वहां से जाता देख थक भी उसके पीछे जाता है और फिर थक के साथ ही सैडी और डर्ली को पकड़ लेते हैं, लेकिन तब जुमा होश में आकर उन्हें मारने लगता है। दूसरी तरफ अब थक भी नोआ के पीछे पड़ जाता है, जो देखकर नोआ उस बेल वाले रास्ते के पास आकर दूसरी तरफ कूद जाता है, पर थक भी उसका बैग पकड़ लेता है, इसलिए अब नोआ अपना बैग निकालकर उसे नीचे गिरा देता है, जहां जैगोर आकर उसे मार देता है, जिसके बाद फिर नोआ 3 मिनट के पूरे होने से पहले ही तुरंत उसे ओलमेक की मूर्ति के नीचे लगा देता है, जिससे पूरा टेम्पल पहले जैसा हो जाता है और सारे लोग भी मूर्ति से इंसान बन जाते हैं। पर अब ओलमेक नोआ का धन्यवाद करते हुए कहता है कि मैं अपने इंसानी शरीर में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने अपना बलिदान देकर ही सारी चीजों को पत्थर का बनाया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह जुमा को लॉकेट पहनाकर उसे अगला राजा बनाओ। जो सुनकर नोआ खुश हो जाता है और रब जुमा को लॉकेट पहनाकर उसे अगला राजा बना देता है। तब ओलमेक टेम्पल का दरवाजा खोल देता है, जिससे नोआ और बाकी टेम्पल के बाहर आ जाते हैं, जहाँ उनके माता पिता उन्हें देखकर एकदम खुश हो जाते हैं। तब सैडी अपने माता पिता से कहती है कि हम अगले साल भी यहीं आएंगे, जिस पर वो मान जाते हैं और फिर वो सभी हंसी खुशी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में फॉग टेम्पल के अंदर होता है, जहाँ जुमा उसे वही बंदर का स्टैचू दिखाने लाता है, लेकिन गलती से फॉग से वो गिरकर अलग हो जाता है, जिस वजह से दोनों उसे जोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन नोआ और बाकियों की तरह उनसे भी वो जल्दी नहीं जुड़ता। जिस फनी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।